हाय फ्रेंड, टेक गुरु में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा फ्लिपकार्ट की जो लिमिट है उसके बारे में, पे लेटर है, फ्लिपकार्ट का पे लेटर के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंट में जाना है, ठीक है। माई अकाउंट के ऑप्शन में जाओगे, वहाँ पे आपकी फ्लिपकार्ट पे लेटर की लिमिट दिखेगी, मेरी 3,000 है, ठीक है। व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करोगे आप तो अब आप देख सकते हो, मतलब इन्होंने क्या किया कि फ्लिपकार्ट पे लेटर वालों ने मही से 10 रुपये चार्ज, 1,000, अगर बाई चार्ज आप 1,000 रुपये की शॉपिंग करते हो, 5 मई को बिल, जैसे हर महीने की 5 तारीख को बिल जनरेट होता है, बिल जनरेट होने से पहले अगर आप पेमेंट पे कर लेते हो तो आपको 10 रुपये का ये चार्ज है, नॉमिनल चार्ज ये नहीं लगेगा, ठीक है। ये अभी मई से ही चालू किया, पहले नहीं थी ये स्कीम, ठीक है। ये आप देख सकते हो, कुछ 1,000 रुपये का अगर आपने कुछ सामान लिया, अगर 1,000 से कम लिया है, जैसे कि 999 रुपये कुछ परचेस किया है, तो आपको ये नॉमिनल चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपने 1,000 रुपये का भी सामान लिया है, या चाहे आपकी जितनी लिमिट है उन उतने रुपए का आपने खर्च कर लिया है, ठीक है, तो मतलब बिल जनरेट होने से पहले ही आप अगर पे कर लेते हो, मतलब हर महीने की 5 तारीख को जनरेट होता है, तो आप 4-5 दिन पहले ही पे कर सकते हो, तो आपको ये 10 रुपये फीस नहीं लगेगी। इन्होंने पता नहीं अब क्या इनको सूझा है, तो अभी इन्होंने चालू किए, बाकी कुछ नहीं है, यही था। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।